Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the background for the chapter that we are going to start, and we are almost in the last part of our background. हालांकि हमने सिल्क रोड नाम के चैप्टर में आने वाले कैरेक्टर्स के बारे में तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है. और मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया था कि मतलब दार्चेन तक जो जगह है, दार्चेन, जहाँ से पैदल यात्रा, जिसको कोरा बोलते हैं, पूरा माउंट कैलाश का सर्कल लगाना, तो उसके लिए दो रूट्स थे बाय रोड, एक नॉर्दर्न रूट, एक सदर्न रूट. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑथर ने क्या किया था, नॉर्दर्न रूट चुना था जिसका लेंथ था 1832 किलोमीटर. ये 1832 किलोमीटर का डिस्टेंस उनको कहाँ पहुँचाता, माउंट कैलाश नहीं, दार्चेन. 1832 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके वो दार्चेन पहुँचते. तो दार्चेन पहुँचने का ये नॉर्दर्न रूट था. और अगर सदर्न रूट से जाते तो मैंने आपको बताया था कि वो कम डिस्टेंस पर था, पर फिर भी नरेटर निक मिडिल्टन ने नॉर्दर्न रूट से जाने का डिसीज़न लिया. और ये जो 1832 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने तय किया बाय कैब वर्ड मैंने दिखाया था आपको, बाय अ कार दैट ही हायर्ड, एंड द मैन्स नेम वॉज सेतन था, कैब ड्राइवर जिसको हायर किया था कहाँ जाने के लिए, दार्चेन आने के लिए. तो वो सेतन के साथ 1832 किलोमीटर की यात्रा गुजारता है. तो ये 1832 किलोमीटर की यात्रा छोटी यात्रा नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है, वो भी तब जब यात्रा पहाड़ी रास्तों पर किया जाए. सेतन के ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बता रहे थे, ये प्रोफेशनल आदमी था ना, उसको हर तरह के रोड पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस था, उसका काम ही यही था. तो ये लोग जिस रूट से निकलते हैं ना, नॉर्दर्न रूट से 1832 किलोमीटर, तो उस रूट को ये 8 पार्ट्स में बांटते हैं. 8 पार्ट्स में बांटने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, फिर हॉल्टेज, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हॉल्टेज, फिर यहाँ से यहाँ, फिर हॉल्टेज. जैसे लेते हैं ना हम लोग, अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो हम लोग तय करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, हॉल्टेज लेंगे, मतलब हॉल्टेज मतलब रुकेंगे, थोड़ी वहाँ रुकना है, फिर वहाँ से निकलना है तो फिर वहाँ रुकना है, ऐसे करके. तो 8 टुकड़ों में इन्होंने इस 1832 किलोमीटर के यात्रा को उन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है. और उसके बारे में बहुत शॉर्ट में जान लो, कोई बड़ा इम्पोर्टेंस तो नहीं है इसका, 8 रूट्स का. पर मैंने आपको कहा था कि अगर आप डिस्टिंक्टिव होना चाहते हैं लोग और से, और
कैंडिडेट्स से, तो पता नहीं कब कौन सा जो ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ, पता नहीं आपको कहीं कुछ काम आ जाए आंसर में, जिससे आपका आंसर बाकी के अच्छे आंसर्स के मुकाबले भी थोड़ा ज़्यादा वेटेज में रहे। तो वो ना 8 भाग में उसको बांटा था किलोमीटर वाइज करके। देखो पहला है लासा से जब निकला, लासा शहर भी मैंने दिखाया था, लासा से वो निकला तो जगह का नाम डैमसंग पहुंचा, उसके बाद नमसो वर्ड अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने भी इसका बैकग्राउंड का वीडियोस देखा होगा, सुना होगा, उनको पता होगा कि मैंने नमसो के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पिक दिखाया है, लेक का नाम है एक नमसो लेक, वहाँ भी कोहरा होता है। नमसो लेक के चारों तरफ भी सरकम एम्बुलेशन किया जाता है और कोहरा किया जाता है, वो भी एक मुख्य कोहरा में से एक है। तो लासा से डैमसंग नमसो, यहाँ से यहाँ तक इन लोगों को 250 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी। और रोड का स्थिति कैसा था, लिखा है परफेक्ट एस्फाल्ट पेव्ड रोड, परफेक्ट एस्फाल्ट पेव्ड रोड। तो इसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में एक अच्छी रोड समझ सकते हैं, छर्री वगैरह से ढाला हुआ, जैसे हम लोग यहाँ गांव में जो ढलाई वाला रोड होता है ना, वो हो गया उस तरह से। 250 किलोमीटर का रास्ता अच्छा रास्ता मैं मानूंगा, एस्फाल्ट पेव्ड रोड से उन्होंने गुजारा। दूसरा वहाँ से निकले, नमसो लेक से निकले तो यहाँ पहुँचे बाइंगोइंग, और नमसो लेक से बाइंगोइंग पहुँचने में इनको 197 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। और वो यात्रा कैसी थी, ग्रेवल पेव्ड रोड, ग्रेवल पेव्ड रोड का मतलब जानते हो कैसा रोड होता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हो उसको तुम, मोरम बिछाया हुआ रोड, मोरम समझते हो, सब कोई नहीं समझता होगा, पर वो रहता ना चमकीला सा और बालू जैसा, मोटा मोटा बालू जैसा नदी के किनारे मिलता है, तो वैसे रोड को हमारे यहाँ जो मोरम वाले रोड, कच्चे रोड होते हैं वो, पक्के नहीं होते, जबकि वो ऊपर जो एस्फाल्ट पेव्ड रोड बताया था वो पक्के रोड होते हैं। तो यहाँ से नमसो लेक से यहाँ तक 197 किलोमीटर इन्होंने ग्रेवल पेव रोड में ट्रैवल किया, मतलब इनको रोड का अगर मैं पिक दिखाने की कोशिश करूं तो नहीं अभी इजीली, ये सिटी तो याद रखना होगा लासा, यही है लासा शहर, यहीं से यात्रा शुरू हुई। तो वो मैं आपको रोड का ना दिखाऊंगा कभी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था 200 किलोमीटर के आसपास का, इसमें रोड कैसे था, ग्रेवल पेव्ड रोड, मतलब रोड तो था पर पक्का नहीं था, कच्चा था, मोरम से बना हुआ था। उसके बाद तीसरा पड़ाव जो था वो बैंगोइन से नाइमा तक था, जगह का नाम है ये सब, तिब्बतन जगह का नाम है, हो सकता है मैं इन नाम को तिब्बतन प्रोनंसिएशन के साथ बिल्कुल नहीं बोल पा रहा हूँगा, हम लोग तो इसको इंग्लिश प्रोनंसिएशन से बोलेंगे, अब तिब्बतन लैंग्वेज थोड़ी जानते हैं हम लोग, फिर भी कोशिश करना है। जैसे जो कॉमन मैंने बताया था नमसो,
लासा, ये सब। बाकी सबको पूरा तिब्बतन लैंग्वेज रटना ये ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने तीसरा चरण जो था बैंकवाइंग से नाइमा तक किया 335 किलोमीटर्स, ये अभी तक के दोनों चरण से सबसे ज़्यादा था। देखो एक तो 250 था, एक तो लगभग 200 था, ये देखो 335 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस तय किया थर्ड फेज में। और रोड कैसा था, इसी के ऊपर जैसा है, ग्रेवल पेव्ड रोड। एक तो मोरम से कच्चा रास्ता बना हुआ था और ग्रासी लैंड भी मिल रहे थे वहाँ विथ शॉर्टकट्स, मतलब कि घास का मैदान, और उसमें से कहीं कहीं आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं। तो ऐसे रोड से पार किया इन्होंने 335 थर्ड चरण में। फोर्थ चरण में ये आए नाइमा से वेनबू साउथ विलेज 130 किलोमीटर। अब ये जो रास्ता था 130 किलोमीटर, ये रास्ता के बारे में लिखा है अनसरफेस्ड डर्ट रोड विथ व्हीकल ट्रैक्स। अनसरफेस्ड का तो मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि, और एक डर्ट वर्ड जो है जो हम लोग अक्सर डर्टी के लिए यूज करते हैं, मतलब कि ये हुआ अभी तक का वर्स्ट रोड, अभी तक का वर्स्ट रोड चौथा फेज में 130 किलोमीटर का, जिसमें अनसरफेस्ड डर्ट रोड थे विथ व्हीकल ट्रैक्स। अब व्हीकल ट्रैक्स मतलब समझते हो, अगर कच्चा रोड जो रहता है डर्ट रोड, कच्चा रोड, उस पर जब भारी भारी व्हीकल्स गुजरते हैं तो कैसे उस पर पूरा गड्ढा करते हुए जाते हैं, वैसे रास्ते से इनको ये फोर्थ जो इनका चरण सेक्शन था यात्रा का वो पूरा किया। बहुत ख़राब रोड से पूरा किया उन्होंने, 130 किलोमीटर्स था वहाँ। फिर वेनबू साउथ विलेज से ये लोग कोकन आ गए। यहाँ से यहाँ आने के लिए पांचवा चरण में 250 किलोमीटर फिर चलना पड़ा। लिखा हुआ है मोस्टली ग्रेवल पेव्ड डर्ट रोड, सो सो हालत था रोड का, ग्रेवल पेव्ड भी बोल रहा है और डर्ट रोड भी बोल रहा है, तो एवरेज समझ सकते हो ऐसा। इन्होंने 250 किलोमीटर अपने पांचवें चरण में पूरा किया। छठे चरण में ये लोग कोकन से रिंगटोर नाम का जगह पे ट्रैवल किए थे सिक्स्थ फेज में। 1832 किलोमीटर का फेज बताया जा रहा है कि कितना टुकड़ा में ये लोग यात्रा किया। 1832 किलोमीटर एक ही बार में थोड़ी कोई चल जाएगा, तो उसको आठ टुकड़ा में बांटा है। छठे फेज में कोकन से रिंगटोर इन्होंने 320 किलोमीटर्स का रास्ता तय किया, और ये भी बहुत ख़राब रास्ता था। लिखा है ग्रेवल पेव्ड रोड विथ पिट्स, पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, सम अननोन स्वैम्प्स, और फिर कहीं कहीं ऐसे गड्ढे थे जिनमें पानी भरे हुए थे, कीचड़ वाला रास्ता, पानी वाला रास्ता, रास्ता में मतलब कीचड़ है, पानी है। ऐसे रोड पे इन्होंने सिक्स्थ फेज में ट्रैवल किया 320 किलोमीटर्स। उसके बाद रिंग टोर से ये लोग निकले यागरा, और ये था बहुत कम 97 किलोमीटर्स, और ये रास्ता जो था वो एवरेज था, ग्रेवल पेव्ड डर्ट रोड। उसके बाद लास्ट जो इनका फेज था, कहाँ पहुँचना था, दार्चेन। तो लास्ट फेज में देखो यागरा से वो होर पहुँचते हैं और होर से वो दार्चेन पहुँचते हैं, और ये पूरा डिस्टेंस है 253 किलोमीटर्स। और इसमें रोड का स्थिति
बहुत खराब है। फिर लिखा है रफ एंड बम्पी ग्रेवल रोड्स, रफ एंड बम्पी, वो देखते हैं ना रास्ता में वो रोड ब्रेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बम्प्स होते हैं, बम्प्स उन्हीं को बोला जाता है। तो बहुत खराब रोड था यागरा, होर और दार्चेन, दार्चेन जो इनका डेस्टिनेशन है जहाँ से पैदल चलना था। तो वो 253 किलोमीटर का रास्ता था इनका, जो कि बहुत ही खराब रोड था। तो ये 8 फेज हैं जिन फेज में, जिन 8 फेजेस में वो पहुंचे थे 1832 किलोमीटर की यात्रा पूरी थी। अगर तुम इनको ऐड करोगे ना 250, 197, 335, 130, 250, 320, 97 और 253, इन किलोमीटर्स को ऐड कर लो, तुम्हारा पूरा आ जाएगा 1852 किलोमीटर, 1832 किलोमीटर्स की यात्रा इन्होंने तय की थी नॉर्थ साइड से, 1832 किलोमीटर्स। मोस्टली खराब रास्ता था। तो ये 8 फेजेस में उन्होंने तैयार किया था, मतलब पूरा किया था यात्रा। और हम लोग को जिस जगह से चैप्टर में पढ़ना है, इतना बैकग्राउंड बताने के, समझने के बाद, वो भी सिंसियरली, अगर तुम इतना जो लेक्चर्स मैंने तैयार किए, टेक्स्ट बुक पे अभी मैं आया भी नहीं हूँ, टेक्स्ट बुक से सिर्फ एक चीज़ हमने अभी टेक्स्ट बुक का किया है, वो है कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, ये किया है सिर्फ टेक्स्ट बुक से। उसके अलावा टेक्स्ट बुक से हमने अभी एक लाइन भी नहीं पढ़ी है। लेकिन उसके पहले, पहला लाइन पढ़ने से पहले कुछ मिनिमम इन्फॉर्मेशंस उसी चैप्टर से, उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पे ये चैप्टर लिखा गया है, जिस किताब का ये चैप्टर हिस्सा है, तो उसके बारे में आगे पीछे थोड़ा समझना पड़ेगा ना। नहीं समझेंगे अगर आगे पीछे और सीधे बीच से शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल भी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बाउंस भी हो जाता है। तो इसीलिए बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। तुम बैकग्राउंड अगर अच्छा से तैयार कर लिया, मैंने हमेशा रिपीट किया है कि तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है वो तुमको अच्छे से समझ में आएगा, जब टीचर समझाएंगे तो तुम कनेक्ट कर पाओगे कि मैंने बैकग्राउंड में ये बातें पढ़ी थी। तुमको दिमाग, मतलब ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो सवाल कम आएंगे दिमाग में, क्योंकि सारे सवालों का जवाब बैकग्राउंड में देने की कोशिश की गई। तो इतना करने के बाद अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक सेक्शन पर, अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक सेक्शन पर आने के लायक हो गए हैं। हम लोगों ने ये आपको उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, जो आप बहुत शॉर्ट में देख लें, नाम हमेशा आएगा
निक मिडिल्टन, ठीक है, ऑथर हमारे नरेटर लामो, सिंगर एक लेडी सेतन, उनका उनके द्वारा हायर किया हुआ ड्राइवर, कैब ड्राइवर डैनियल, उनका ट्रांसलेटर, और नॉर्बू। नॉर्बू हालांकि चैप्टर में कहानी में नहीं, कहानी तो पूरा किताब है, चैप्टर में जो दिया गया है ना उसमें नॉर्बू बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया नॉर्बू के बारे में, पर जितना भी बताया गया उसमें से ही नॉर्बू बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगेगा टेक्स्ट बुक में पढ़ने से। तो अब ऑथर जो हैं हमारे नरेटर निक मिडिल्टन, उनको माउंट कैलाश कोरा करने के लिए वो निकल चुके हैं अपने, उनके साथ वो कितने लोग हैं, किस चीज़ से जा रहे हैं, किस चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सारी बातें आपको समझ में पहले से ही रहनी चाहिए कि टैक्सी से, कार से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, कैब ड्राइव कौन कर रहा है, सेतन, और हमारे प्रोटैगोनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इसमें, हमारे नरेटर निक मिडिल्टन और डैनियल नाम का जो एक कैरेक्टर है वो ट्रांसलेटर के रूप में यूज़ होता है, और वो पूरा दार्चिन तक जाता भी नहीं है, वो होर नाम के शहर तक ही जाता है, वहाँ से फिर वो लौट जाता है। दार्चिन तक पहुँचेंगे सेतन एंड निक मिडिल्टन गाड़ी में, कार में, और वैसे शुरुआत में तीन लोग रहेंगे कार में, मगर दार्चिन पहुँचते पहुँचते दो लोग बचेंगे, क्योंकि एक जो डैनियल है वो बीच में ही उतर चुका होगा और वहाँ से वो वापस हो जाता है। तो इसका आगे हम लोग लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड, जैसे ये नोट्स जो मैं ये टेक्स्ट बुक हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे टेक्स्ट बुक का, ये टेक्स्ट बुक हुआ, और इस टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ते वक्त कौन कौन से वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, किसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है, किसको यूज़ करना है आंसर में, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ से समझ में आने शुरू हो जाएंगी अगर आपने बैकग्राउंड पूरा पढ़ा हुआ है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड, ये हम लोग अब टेक्स्ट बुक से आएंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। थैंक यू।